जैसे कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में कई पराठों की रेसिपी दिखाई है, इन्हीं पराठों की सीरीज में चलिए देखते हैं कॉर्न पराठा की रेसिपी। ओम नमो नारायण दोस्तों, कॉर्न पराठा जो आज मैं दिखा रही हूँ ये रेसिपी काफ़ी टेस्टी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिए कॉर्न पराठे। ये देखिए इस तरह से हमें मकई के दानों को निकाल लेना है। यहाँ एक टिप मैं देती हूँ, मकई के दानों को इजीली निकालने के लिए आप मकई को थोड़ी देर फ्रीज़र में रख लीजिए, ये थोड़ी सख्त हो जाएगी और चाकू से छुरे से जब आप इसे काटोगे तो ये इजीली कट जाएगी, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके हमें छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, ये जो दाने हैं इसे हम थोड़ा सा और क्रश कर लेंगे। वैसे तो इन दानों को हम साबुत भी रख सकते हैं, पर बेलते समय पराठा फट जाता है तो इसके लिए थोड़ा सा क्रश भी आप कर सकते हैं, मिक्सर जार में डालकर घुमा भी सकते हैं। आधा प्याज लिया है मैंने, इसके बारीक टुकड़े काट लेंगे। मिर्ची को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे जिससे ये पराठों में इजीली बेल जाए, मतलब दांतों के नीचे ज़्यादा मोटे दाने ना आए मिर्ची के। ये देखिए इस तरह से हमें बारीक काट लेना है। सब्जियों की प्रिपरेशन कर ली है मैंने काट कर। कढ़ाई में डालेंगे बटर, आप पूरे बटर में इसे बना सकते हैं या हाफ बटर और हाफ ऑयल में भी बना सकते हैं। जब बटर या ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे प्याज, इसे अच्छी तरह भुनेंगे। कटी हरी मिर्च डालेंगे। अगर आप बच्चों के लिए रेसिपी बना रहे हैं तो हरी मिर्च की क्वांटिटी कम रखिए, आप कुटी हुई लाल मिर्च डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स। ये देखिए कॉर्न डाल देंगे, इसे मैंने धोकर काटा था इसलिए ये थोड़े से गीले लग रहे हैं। इसे अच्छी तरह भून लेंगे, बटर में इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। मैंने यहाँ एक छोटा सा मतलब मीडियम साइज का उबला हुआ आलू डाला है, इसे क्रश कर। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए। आलू और मकई का स्वाद काफ़ी अच्छा आता है, कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, ज़रूर ट्राई कीजिए। हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे स्वादानुसार, धनिया पाउडर डालेंगे, इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है। चाट मसाला डालेंगे, अगर आपको चाट मसाला नहीं डालना है तो आप नींबू डाल सकते हैं। ये देखिए सभी मसालों को डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हाई फ्लेम पर हमें इसे भूनना है, इसे हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे इस मिक्सचर को। अब हम इसके पराठे बेलेंगे, लोई को तोड़ लेंगे, इसे हम बेल लेंगे और बीच में फिलिंग को रखेंगे, जो मकई की फिलिंग हमने बनाई है इसे रखेंगे। यहाँ पर हमने मकई को ज़्यादा क्रश नहीं किया है, इसके दाने मोटे ही है, इसके लिए ये बेलते टाइम पर थोड़े से दिखाई देंगे, आपका पराठा थोड़ा सा फट भी सकता है। ये देखिए परत पर परत रखकर इसे हम इस तरह से इसकी लोई बना लेंगे, इसे पैक कर लेंगे, ऊपर का पार्ट इसे क्लोज कर देंगे, इसे अच्छी तरह पैक कर लेंगे, इससे ये फटेगा नहीं। बर्तन लगाकर हम लोई को इस तरह से फैला लेंगे हाथों के हेल्प से, तुरंत बेलेंगे बिना फैलाए तो बेलन के लगने से ये फट भी सकता है। तो जब भी आप पराठा बेलेंगे तो पहले लोई को फैला लीजिए। ये देखिए हमारे मकई का पराठा, मकई दिख रही है, हरी मिर्च दिख रही है, इसे हम मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे। मीडियम फ्लेम पर सेकने से ये अच्छी तरह क्रिस्पी सिक जाता है, मकई अंदर तक सिक जाती है। मकई के दाने इस तरह से रखेंगे तो इससे ये सिकने के बाद काफ़ी स्वादिष्ट लगती है, दांतों के नीचे आने पर काफ़ी जूसी और क्रंची लगती है। आप इसे बटर में सेक सकते हैं इन पराठों को, ये काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं। ये देखिए दूसरा पराठा, इस तरह से हम पराठे बना लेंगे। आप इन पराठों को आपके बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं, स्कूल के बच्चों को या कॉलेज के बच्चों को। ये देखिए पराठे को मैं खोलकर दिखा रही हूँ, अंदर से काफ़ी सॉफ्ट जूसी मकई के दाने
दांतों के नीचे आने पर काफ़ी टेस्टी लगते हैं, क्रंची लगते हैं। तो आप भी इस तरह से बनाइए और खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए।